मुझे लगता है ये लोग मार देंगे मुझे। मेरा जिंदा रहना उनके लिए बहुत डेंजरस होगा। जी करता है मैं अपनी जिंदगी रिवाइंड करके फिर से सारे फैसले ले लूं, लेकिन जैसे नॉस्ट्रेडामस ने कहा था, हमारा आने वाला कल महज हमारे आज में लिए गए फैसलों का नतीजा है। फैसले सही तो कल भी सही। ये मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, फैसलों और नतीजों की कहानी। थोड़ी अनोखी है, आपको मानने में तकलीफ होगी शायद, मगर मानने ना मानने से सच्चाई को फर्क कहाँ पड़ता है। ये सब उस रात को शुरू हुआ, डॉक्टर वोरा के एक्सीडेंट की रात। रिया, बस मैं व्हाइट टी शर्ट, टॉप शेल्फ राइट साइड। थैंक्स बेब। बेब, वेयर इज माय वॉलेट? इन योर लैपटॉप बैग। थैंक्स लव। अच्छा वो इन योर एस। कैन यू चेक? शट अप। इतने सेल्फिश क्यों हो यार, जरा देर शांति से सोने भी नहीं देते। चार बार अपना अलार्म स्नूज़ पे डाल चुकी थी तुम, मैं क्या करता? I had to use my charmer to wake you up। भलाई का कोई जमाना ही नहीं है। अच्छा कॉफी पियोगी? हाँ। पिज़्ज़ा ऑन है? हाँ। क्या हुआ? प्रिया, बेबी टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। 5 साल से तुम इसमें प्रिपेयर कर रही हो, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। आप पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ओटी जाके जितना प्रिपेयर किया सब भूल जाऊंगा। इट्स कॉल्ड वोराफोबिया। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ हिम। और वैसे आज तुम्हारा एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है ना, तुम इतने चिल कैसे हो? मुझे क्या फर्क पड़ता है, बाहर कोई भी गड़बड़ हो जाए। I can always come back to you. Please. सुबह सुबह इतना चीज़ी मत बनो। रोमांस किलर हो तुम। जा रहा हूँ मैं, फिर भी रुकने का कोई शौक नहीं है। बाय, गुड लक, मेक मी प्राउड। I love you.
हेलो, व्हाट? गार्ड, गाड़ी पार्क कर दो। कुछ पता चला? लोनावला हाईवे के आसपास खपोली जगह है, वहां पे एक्सीडेंट हुआ। हलाने तक काफी ब्लड लॉस हो चुका था, मल्टीपल इंजरीज हैं, इंटरनल ब्लीडिंग इन द लंग्स, फ्रैक्चर्ड रिब्स, कि ब्रेन और स्पाइन के भी स्कैन्स लिए हैं, रिजल्ट्स भी देखना है। ओके, डॉक्टर मानिक, वो रसर अभी। रिया, यू नो एक्सीडेंट केसेस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लेट द स्कैन्स कम, उसके बाद हम प्रोसीजर फाइनलाइज करेंगे। ओके, डॉक्टर रिया। तो आप डॉक्टर वोरा के काफी करीबी हैं। जी, वो he's the closest I have to a family. I'm sorry about what has happened, and I know it's not the right time, but कुछ एक सवाल है जिनके जवाब की उम्मीद आपसे है। I hope you won't mind. Thank you. आई हर्ड कि कल रात जब तक डॉक्टर वोरा यहाँ थे आप उनके साथ थी। जी, लास्ट पेशेंट वॉज अराउंड 10 इन द मॉर्निंग, उसके बाद हमने आज की सर्जरी डिस्कस की, फिर हम वार्ड विजिट पे गए और देन ही लेफ्ट फॉर होम अराउंड 2 PM। यू सेड कि आज उनकी सर्जरी थी, राइट? या एक्चुअली आज मेरी पहली सर्जरी थी उनके साथ। It was a big deal for both of us. So is it normal for him? I mean, surgery से एक रात पहले long drive पर जाना इतनी दूर और same night वापस आना? नहीं, in fact वो तो रात को drive भी नहीं करते हैं। So in that case वो लोनावला highway पर long drive भी नहीं गए। Any idea? किसलिए गए होंगे? Sir, actually मैं लोनावला में उनकी बहन रहती हूँ। मैंने उनको कल कॉल किया था तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके बहन के हस्बैंड की थोड़ी तबीयत खराब है। सो मे बी आप? सर, मैं सैमुअल सोक्रेट्स इनका कलीग। दैट एक्सप्लेन्स इट। बहन को कॉल करके स्टेटमेंट ले लें। यस सर। तो बहन के हस्बैंड की तबीयत खराब थी, इस वजह से वो स्ट्रेस था, जल्दी पहुंचने के लिए गाड़ी तेज चला रहे थे। What is looking like an accident might not be an accident. Are you hinting at some foul play? Dr. Vora ko koi hurt karne ki koshish kar raha hai? Actually, Dr. Riya, ye sab routine questions hai. And it's my job to find loopholes, investigate. Wow, Akash. I love your theory. मुझे हमेशा लगता था that we are not alone and then this theory. Sir, I know it's a far-fetched idea, but it's really possible, sir. No, totally. Parallel universe क्यों नहीं हो सकता? इसके बारे में किसी के पास theory नहीं है. लेकिन parallel universe हो सकता है. और इसके बारे में तुम्हारे पास एक बहुत सही theory है. So you really think so? I do. But if you don't mind, तो मुझे फिर से जरा समझाओगे? You see, I'm a science enthusiast. But degree तो मेरी business में है ना?
मिशन के मेन कार्डियोलॉजिस्ट वोरा का ट्रांसफर हो चुका है. गुड. वी मस्ट नाउ स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द प्लान. इंटरव्यू कैसा था? इंटरव्यू यार, इनिशियली आई रियली थॉट कि दे डोंट लाइक मी. काफी सीनियर लोग आए थे, बट इवेंचुअली दे रियली लाइक माय थ्योरी. दे थॉट इट्स रियली इनोवेटिव एंड क्रिएटिव. सो आई गॉट द जॉब. कांग्रेचुलेशंस. आई एम सॉरी. आई एम रियली हैप्पी फॉर यू. दिखा नहीं पा रही. इट्स ओके बेबी. तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं. क्या हुआ? मैं रेफ्यूजीज की बात कर रही थी. कुछ कंट्रीज इनको असाइलम देने से मना कर रही है. आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर. कहां जाएंगे ये बेचारे? रिया, तुमने कभी खेती की है? फार्मिंग? व्हाट? जब फसल को बोते हैं ना, तो बीज को उखाड़ के फेंक दिया जाता है क्योंकि ग्रोथ अच्छी होती है उससे. Did you just compare these people to fasal? Yes, I did. India ki population kya hai? 1.34 billion. Is country mein logon ke paas khane ke paise nahi hai. Refugees kaise entertain karenge? Hum apne logon ko khana nahi de sakte, to wo bhi to hamari problem hai na. Haan, bilkul hai. China ki tarah hum bhi one child policy implement kar sakte the. Lekin nahi. India is a democracy, Akash. Hum kisi ke upar kuch force nahi kar sakte. Yahi to problem hai yaar, democracy. Aur do bheed ko power. To kya? Ek insaan ko power de. डिक्टेटरशिप क्रिएट करे. हिटलर, मुसोलिनी, दैट्स व्हाट यू. जर्मनी इज मोर डेवलप्ड देन अस, इजंट इट रिया? तो तुम जर्मनी में क्यों नहीं रहते? वैसे भी तुम्हारी और हिटलर की सोच बहुत मैच करती है. फैक्ट इज फैक्ट. आई डोंट गेट यू आकाश. मतलब तुम्हारी थिंकिंग, तुम क्या सोचते हो? समटाइम्स आई डोंट. कम ऑन रिया, अब डिबेट चल रही है तो टू साइडेड होगी ना. जरूरी नहीं है कि हर बात से तुम्हारी मैं सहमत रहूं. दैट इज नॉट द पॉइंट. What is the point then? Point is that you believe that fascism is better. Of course. Never mind.
उस वक्त ये कोई नहीं जानता था कि डॉक्टर बोरा और डॉक्टर मानिक दोनों ही मरकर वापस आए थे। काश मुझे पता होता तो आज मैं यहाँ इस तरह अपनी मौत के इतने करीब ना होती। लेकिन मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। Thank you.